हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कपिल एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडियन गवर्नमेंट में कोलकाता में जो रिक्रूटमेंट आई है IMG में इंडस्ट्रियल पोस्ट पर, उसके फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में, एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड नोटिफिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सबसे पहले फॉर्म फिल करने से पहले आपको नोटिफिकेशन रीड कर लेना है। नोटिफिकेशन के लिए, फॉर्म फिल करने के लिए IGM कोलकाता की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके अप्लाई भी कर सकते हैं, नोटिफिकेशन भी रीड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे चलने से पहले, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स व्यू डिटेल पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन यहाँ पे ओपन कर लेंगे। नोटिफिकेशन यहाँ दिया गया है, इंडियन गवर्नमेंट माइनमेंट कोलकाता में आपकी रिक्रूटमेंट है। पद आपके यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट और सब स्टेशन ऑपरेटर के पद पर एंड सुपरवाइजर के पद पर आपकी वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे, आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 29 अक्टूबर 2022 से आप आवेदन कर सकते हैं, 29 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ऑनलाइन आपको आवेदन करना होगा। फ्रेंड्स, एग्जाम की यहाँ पे दी गई दिसंबर लास्ट वीक या फर्स्ट वीक जनवरी 2023 में आपके यहाँ एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा। फ्रेंड्स, उस पर वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पे दी गई जिस पद से आप आवेदन भरेंगे उसकी डिटेल्स को चेक करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन ट्यूनर CNC ऑपरेटर से आवेदन करूँगा। यहाँ पे मैं अपना वेतन, क्वालिफिकेशन, एज 18 से 25 और मेथड ऑफ सिलेक्शन इसका ऑनलाइन रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप डिटेल्स को चेक कर लेंगे, बाकी डिटेल्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले बात करेंगे फॉर्म कैसे फिल करना है, नोटिफिकेशन फुल डिटेल के बारे में बाद में बात करने वाले हैं। आपको फॉर्म फिल करने से पहले नोटिफिकेशन को फुल केयरफुली रीड करना होगा, उसके बाद ही आप आवेदन करेंगे। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको करियर पर जाना होगा, अप्लाई हेयर टू, क्लिक हेयर टू अप्लाई पर आपको क्लिक करना होगा। ये विंडो आपका ओपन हो जाएगा फॉर्म फिल करने के लिए। यहाँ पे क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स, जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम डालना होगा, दोबारा से फर्स्ट नेम वेरीफाई, मिडिल नेम है तो मिडिल, नहीं तो आपको सीधा यहाँ पे लास्ट नेम फिल करना होगा। यहाँ पे लास्ट नेम आपको वेरीफाई करना होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको फिल करना होगा, मोबाइल नंबर दोबारा से आपको फिल करना होगा, वेरीफाई करना होगा। उसके बाद आता है आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी आपको फिल करना होगा, डोमेन यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आपको बिट डोमेन आपका ईमेल आईडी आपको फिल करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप बिट डोमेन ईमेल आईडी को फिल करेंगे। ईमेल आईडी फिल करने के बाद जो सिक्योरिटी कोड यहाँ पे दिया गया है, सिक्योरिटी कोड को आप यहाँ पे फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आपके मोबाइल और ईमेल पे भी मैसेज के थ्रू, ईमेल के थ्रू भेज दिया गया, बाकी आपको डिस्प्ले पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको फोटो अपलोड करनी होगी। फोटो का साइज 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, JPG फाइल होनी चाहिए और यहाँ पे जो आपको अपलोड करनी है, JPG फाइल 20 से 50 KB का साइज आपका होना चाहिए फोटो का। उसके बाद आता है आपका सिग्नेचर, यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, सिग्नेचर आपका जो आपको अपलोड करना है 10 से 20 KB के बीच में यहाँ पे अपलोड करना है और JPG फाइल में। उसके बाद आपको डिटेल्स को यहाँ पे कंफर्म करना है, कंफर्म करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जिस पद से आप आवेदन करना चाहते हैं उस पद को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं जूनियर टेक्नीशियन ट्यूनर CNC के लिए करूँगा तो मैं अपना सेलेक्ट कर लूँगा, वो आपको यहाँ पे करना होगा। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, ST SC OBC जनरल, वो आपको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यदि आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो आप यस या नो में आपको देना होगा, यदि है तो यस करेंगे। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपको सेलेक्ट करनी होगी, सफरिंग हो आप हैंड रिटर्न स्पीड अफेक्टेड है तो यस या नो में टाइम एक्स्ट्रा चाहिए, राइटिंग हैंड इफेक्टेड है, स्क्राइब आपको चाहिए, टाइम एक्स्ट्रा चाहिए तो इसमें आपको क्लिक करना होगा। नहीं, आप यदि फिजिकली हैंडीकैप नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करना होगा। उसके बाद बिलोंग, आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं वो आपको फिल करना होगा। माइनॉरिटी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं तो यस या नो में आपको देना होगा। एक्स सर्विस मैन है तो यस या नो में आप देंगे, यदि यस करते हैं तो इसमें आप मंथ ऑफ सर्विस की या पीरियड ऑफ सर्विस मंथ में आपको यहाँ फिल करना होगा। नेशनलिटी सेलेक्ट करना होगा, नेशनलिटी सेलेक्ट करने के बाद सेंटर फॉर एग्जामिनेशन आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जो भी आप रखना चाहते हैं वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे DOB सेलेक्ट करना होगा, डे मंथ एंड ईयर आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे अपना आप DOB सेलेक्ट करेंगे, जेंडर आपको सेलेक्ट करना होगा, मेल या फीमेल, यदि आप ट्विन सिस्टर एंड ब्रदर हैं तो यस करेंगे, नाम उनका देना होगा, जेंडर आपको सेलेक्ट करना होगा, नहीं है तो नो पे क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस, मैरिड है अनमैरिड आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फादर नेम देना होगा। फ्रेंड्स,
फादर नेम देना होगा या मदर नेम यहाँ पे देना होगा। मदर नेम फिल करने के यदि आप मैरिड हैं तो आपको स्पाउस नेम यहाँ पे देना होगा। उसके बाद आपका आता है एड्रेस सेक्शन, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल करना होगा, डिस्ट्रिक्ट फिल करनी होगी, स्टेट और पिन कोड। यदि आपका कोरस्पॉन्डम और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको सेम इस पर क्लिक कर देना होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे एक आपको GST के लिए इनवॉइस यहाँ पे करना होगा, यहाँ पे आपको अकाउंट डिटेल्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप कम्युनिकेशन एड्रेस डिटेल्स को वैलिडेट करेंगे, वैलिडेट सक्सेसफुली हो जाएगा, आपको सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको डिटेल्स देनी होगी ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन आपके सेलेक्ट करना होगा, क्या आपका ग्रेजुएशन आपने किया है, तो उसमें कब पास किया था ग्रेजुएशन वो डिटेल देनी होगी, ईयर ऑफ पासिंग और ग्रेजुएशन में आपने क्या किया हुआ है फ्रेंड्स वो आपको यहाँ पे देना होगा। फ्रेंड्स आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है वो आपको देना होगा, परसेंटेज क्या है आपकी वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, ग्रेजुएशन में आपकी परसेंटेज क्या है। उसके बाद ग्रेड फर्स्ट या सेकेंड वो आप सेलेक्ट करेंगे जो भी आपकी है क्लास। उसके बाद आपका आता है फुल टाइम ITI, आपको ट्रेड CNC में NCVT कोई भी बोर्ड से आपका होना चाहिए, कब आपने ITI पास किया है वो आपको यहाँ पे देना होगा, परसेंटेज आपकी क्या है ITI में उसको आपको फिल करनी होगी, क्लास एंड ग्रेड आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी। फ्रेंड्स उसके बाद वर्किंग एक्सपीरियंस यदि आपके पास है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे, प्रेजेंटली वर्किंग है तो आपको यस करना होगा, एम्प्लॉयर नेम क्या पद है आपका, कब आपने ज्वाइन किया था, नेचर ऑफ ड्यूटीज क्या है वो आपको देनी होगी। यदि आप आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है और आप काम छोड़ भी चुके हैं लिविंग तो आप छोड़ चुके हैं लीव कर चुके हैं तो आपको नाम डिटेल्स ये फिल करनी होगी, यहाँ पे आपने कब छोड़ा था वो आपको पीरियड फिल करना होगा, रीजन आपको देना होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए मिनिमम, आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और रीड स्पीक और बोलना लिखना पढ़ना तीनों ही आना चाहिए। अदर कोई आपको लैंग्वेज आती है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे और यहाँ पे क्या क्या आपको आता है वो करेंगे, डिटेल्स को वैलिडेट करेंगे, वैलिडेट सक्सेसफुली हो जाएगा, सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म प्रीव्यू हो जाएगा, फॉर्म को केयरफुली चेक करेंगे, यहाँ पे आपको IAGree पे क्लिक करना होगा, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना होगा, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यहाँ पे आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना होगा, लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करेंगे प्रीव्यू हो जाएगा, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करनी होगी फ्रेंड्स, जो कि आपको हाथ से लिखनी होगी, नोटिफिकेशन में दी गई है, यहाँ पे आप देखेंगे हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो दी गई है इसको ऐसे के ऐसे आपको लिखना होगा और लिख के नीचे आपको स्कैन करके और अपलोड करना होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ पे दिया गया है, इसको ऐसे के ऐसे लिखना है, नेम ऑफ द कैंडिडेट की जगह आपको अपना नाम लिखना है, बाकी सेम ऐसे के तो अपने हैंड राइटिंग में लिखेंगे, स्कैन करेंगे और अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपको कैप्चर कोड जो दिया गया है यहाँ पे कैप्चर कोड को फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे फ्रेंड्स और ओके पे आपको क्लिक कर देना होगा। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी कोड्स जो दिए गए हैं सिक्योरिटी कोड्स को आप फिल करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। पेमेंट के लिए आपका यहाँ पे ओपन होगा गेटवे, इसके थ्रू आपको पेमेंट करना होगा फ्रेंड्स। गेटवे आपका दिया गया, क्रेडिट डेबिट कार्ड जिसके थ्रू करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करेंगे, जैसे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू तो डेबिट कार्ड नंबर, एक्सपायर डेट, CVV, कार्ड होल्डर नेम और मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे पेमेंट सक्सेसफुली होगा आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली, उसका प्रिंट ले लेंगे और फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने पास रखेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे आपका सिलेक्शन जो प्रोसेस है उसके बारे में, आप यहाँ पे अपने LBT क्राइटेरियाज को चेक कर लेंगे, उसके बाद ही आप आवेदन करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे दी गई है आपके LBT क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन आपका यहाँ पे एग्जाम रहेगा, एग्जाम फीस भी यहाँ पे दी गई है उनको आप चेक कर सकते हैं। तो आपका सिलेक्शन जो एज पर गवर्नमेंट रूल्स यहाँ पे एज रिलेक्शन यहाँ पे दिए गए उनको आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा सीरियल नंबर 1 से लेके 8 तक की जो पोस्ट हैं 125 मार्क का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, 120 मिनट का आपको समय और नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं मिलेगी। प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड जिस पद से आप आवेदन कर रहे हैं उस ग्रेड से रिलेटेड 50 क्वेश्चन आएंगे 75 मार्क के, लॉजिकल रीजनिंग 10 क्वेश्चन 10 मार्क के, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 मार्क के, इंग्लिश लैंग्वेज 15 क्वेश्चन 15 मार्क के और काउंट आपके 10 क्वेश्चन 10 मार्क के, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 125 मार्क के, दोनों ही लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी, 120 मिनट का यहाँ पे समय मिलेगा। फ्रेंड्स आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रहने वाली है, ऑन सेलेक्शन कट ऑफ के बेसिस पे आपका यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ नो सेक्शनल कट ऑफ रहेगा, सबका एक ही कट ऑफ यहाँ पे बनना है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क यहाँ पे दिए गए। सीरियल नंबर जो नो है उसमें आपका जो सुपरवाइजर के पद पे है उसके लिए भी ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, 200 मार्क रहेंगे,
थ्री मार्क विल बी नो नेगेटिव मार्किंग आपका यहाँ पे नहीं रहेगा। ड्यूरेशन 120 मिनट का आपको मिलेगा। प्रोफेशनल नॉलेज केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड खास क्वेश्चन 120 मार्क के, इंग्लिश लैंग्वेज 20 क्वेश्चन 20 मार्क के, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क के, लॉजिकल रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क के, काउंट 20 क्वेश्चन 20 मार्क के, 140 क्वेश्चन 200 मार्क के, दोनों ही लैंग्वेज आपको देखने को मिलेंगी। एंड 120 मिनट का यहाँ पे ड्यूरेशन, नो नेगेटिव मार्किंग आपके यहाँ पे रहेगी फ्रेंड्स।